आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, उससे पहले फान साहब यू वुड वांट टू ऐड समथिंग हियर। अच्छा आगे भी एक तो फैसले का जरूर बताइए, दूसरा कंट्रोवर्सी जो हमारा इनके साथ T20 वर्ल्ड कप में मैच हुआ था, रोहित शर्मा ने कॉइन फेंका और बहुत दूर फेंका और दोनों कैप्टन जितनी डिस्टेंस पे गया तो ऑब्वियसली दे कांट सी और मैच रेफी ने कहा कि यू हैव वन द टॉस। उस टाइम भी आपको याद होगा क्लाउडी वेदर था, इस तरह की सारे सर्कमस्टांसेस थे, तो बहुत कंट्रोवर्सी हुई। ये दोबारा कंट्रोवर्सी पाकिस्तान इंग्लैंड के मैच के अंदर भी हुई कि कॉइन को बहुत दूर फेंका गया, उन्होंने बताया गया रूल्स के अकॉर्डिंगली जो रग रखा जाता है जिसके ऊपर वो ऑब्वियसली जो आपके स्पॉन्सर का होता है उसके ऊपर फेंकना होता है, आज भी सेम देखा कि बहुत डिस्टेंस पे फेंका गया और जिस पे दोनों कैप्टन कांट सी दैट कि किसके फेवर में आया है और मैच रेफरी जाता है उस साइड पे जाके और वो फिर वो कम्युनिकेट करता है जी यू हैव वन द टॉस एंड व्हाट्स योर डिसीजन। तो आप इस जो कंट्रोवर्सी बनी है और जो हिना ने आपसे क्वेश्चन किया कि कैसे देख रहे हैं वो जीत चुके हैं टॉस, कप्तानों ने टॉस करना है ना जी, तो जो दो कप्तानों ने अगर देखा ही नहीं सिक्का तो फिर तो ये मैच रेफरी का टॉस हो गया। exactly. तो कप्तानों को लेके क्यों आते हो देखिए ना, आप अगर सिक्के को उछाला जाता है जी, फेंका नहीं जाता, ये तो फेंका गया और ये हमेशा करता ही है। हम कोशिश करेंगे इसको दिखा भी सकेंगे कितने डिस्टेंस से वो जो पिच तक ही आई है, विलियमसन जो है उसको उसने देखा टॉस नहीं, उसने नहीं देखा तो फिर वो क्या टॉस में करने आया है? सिर्फ यही कहने आया कि अगर हम टॉस जीतते तो हम भी बैटिंग करते। तो बेचारे ने भी अपनी ख्वाहिश की तरह मजार किया, ये ज्यादती है और ये न्यूजीलैंड बेचारों के साथ पिछले वर्ल्ड कप में भी ज्यादती हुई और ये भी ज्यादती। आपने कैसे कर सकते हैं अगर आप कैप्टन है तो आपने सिक्का ही नहीं देखा तो फिर आप टॉस तो नहीं करने आए ना, तो रेफरी ने जाके वो दूर पड़ा है इतना से सिक्का कैसे नजर आ सकता है, वो जाके उन्होंने कहा कि यू वॉन द टॉस। फिर एक एफर्ट है जो न्यूजीलैंड ने दिखाई कि वाकई वो एक बहुत बड़ी टीम है, बट बेचारों के साथ हुआ वही सेमीफाइनल का सेमीफाइनल ही। पिछले वर्ल्ड कप में बहुत ज्यादती हुई जी और आज भी मैं समझता हूँ कि टॉस के ऊपर आई एम नॉट कन्विंस्ड। मैंने सुबह भी बात की है कि अगर दो कप्तान इधर खड़े हैं, रेफरी इधर खड़ा है, सामने वो इतना बड़ा मैट रखा हुआ है, वो टॉस का स्पॉन्सर है और आप टॉस सिक्का पकड़ के सिक्के को उछालना होता है, फेंकना नहीं होता, फ्लिप करने की बजाय साइडवेज वो जाके 20 फुट पे जाके फेंक दिए। अब मेरा इसमें ये है कि दो कप्तान टॉस करने जाते हैं, अगर आप और मैं टॉस कर रहे हैं तो आई वॉन्टेड टू सी सिक्के भी आया क्या है, तो वो मैट किस लिए रखा है। इसने ये हरकत बाबर आजम के साथ भी की थी T20 वर्ल्ड कप में भी की थी और यही ऐसे पकड़ के वो उधर फेंक दिए, इससे भी दूर फेंक दिए, बट व्हाई? अब इतना जब क्रूशियल टॉस है, टॉस के ऊपर 50% का रिजल्ट है जो पिछले जितने भी आप इनके मैचेस यहाँ देख रहे हैं, तो पता नहीं ये क्यों करते हैं, आई डोंट नो हाउ डिड This happened. अगर देखा जाए तो काफी हद तक काकुज वेद की बात बिल्कुल ठीक है। रोहित शर्मा हमेशा ऐसे मौके पर सिक्के को दूर फेंकता है ताकि दूसरा कप्तान देख ही ना पाए। जब दूसरे कप्तान ने सिक्का देखा ही नहीं और ना टीवी पर दिखाया जाता है तो फिर मैच रेफरी जो चाहे बोल दे, जिसे मर्जी चाहे टॉस जितवा दे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। वैसे भी ICC पर तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड की इजारादारी है। दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।